देश में जितनी भी लड़ाइयां आजादी की लड़ी गई होंगी, मुझे पूरा भरोसा है उसमें से एक भी बीजेपी और आरएसएस का व्यक्ति नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। हम अपने कर्तव्यों में, अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए जो लड़ाई है सबसे आगे आकर के लड़ाई को लड़ने का काम। एक वीडियो को रिलीज किया है, ये मोदी जी अमित शाह कितना गालियां दिया करते थे उनको, अब प्रतिनिधि भेज रहे, डेलीगेशन भेज रहे कि जाकिर जी आप प्लीज आइए, अल्पसंख्यकों को समझाइए। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का सब लोगों के सामने उजागर हो गया है। और एक बात समझिए, देश में जितनी भी लड़ाइयां आजादी की लड़ी गई होंगी, मुझे पूरा भरोसा है उसमें से एक भी बीजेपी और आरएसएस का व्यक्ति नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। आश्चर्य की बात है कि हम अपने ही मुल्क में जो है हमको साबित करना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। क्या कानून है, किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में जहर भरने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को, सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, ये केवल एक कौम के बारे में नहीं है। आज अत्यधिक निशाने पे है, कल दलित निशाने पे होगा, परसों पिछड़ा निशाने पे होगा। ये देश को पूरी तरीके से तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआ से हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। आज हम नेता प्रतिपक्ष आप लोगों के बदौलत है। हम अपने कर्तव्यों में, अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए जो लड़ाई है सबसे आगे आकर के लड़ाई को लड़ने का काम। फिक्र मत छोड़िए, जब सड़क पे जनता आ जाती है तो कितने से बड़े शासक आए हो, उनको अपने कानून को वापस लेना पड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कानून वापस होकर के रहेगा। दोबारा बस एक बार कहेंगे, इसमें जो जामिया में जिस प्रकार से छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज कराया गया, हॉस्टल में घुस करके लड़कियों को पीटने का काम किया गया, इस मंच से उस अटैक को हम लोग जो है कंडम करने का काम करते हैं, निंदा करने का काम करते हैं। और कई हिंदुस्तान में, कई आंदोलन में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको भी आज इस मंच से हम लोग याद करने का काम करते हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उनकी कुर्बानी जो है बर्बाद नहीं होगी, उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं होगी। और एक बात समझ जाए, हाँ भैया, आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार ने जिस दिन बिहार बंद किया गया था, बढ़ चढ़ के नौजवान हमारे साथी सड़कों पर तिरंगा लेकर के आने का काम किया था, पूरे हिंदुस्तान में क्या तो पुलिस के गोलियों से हमारे नौजवानों की मृत्यु हुई, लेकिन बिहार में जो आरएसएस का, जो आरएसएस का जो संयुक्त ऑफिस था, वहां फुलवारी शरीफ में जो घटना हुई, लगभग 9 लोगों को गोलियां मारने का काम किया, वो सारे बीजेपी और संघ के लोग थे, बीजेपी और संघ के लोग थे। हम गए थे अस्पताल देखने, किस प्रकार से हर एक तरीके से तोड़ने का काम कर रहा है। और जब गोलियां मारी जा रही थी तो वहां जो पुलिस जो तैनात थी वो चुप खड़ी थी, चुप्पी में लगी हुई थी, तमाशा देख रही थी। इसलिए हम सब लोगों को सतर्क रहना है, संयम बनाए रखना है। कोई भी एक लोग जो है
अलग अलग तरीके से कुछ भी जो है इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर सकता है, कमजोर करने की साजिश रच सकता है, इससे हम लोगों को सावधान रखने की जरूरत है। और एक बात जरूर बोलेंगे, आप लोगों की आंदोलन को लेकर के हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ बीजेपी माइंडसेट के ऐसे मीडिया है जो टीटीएम में लगे हुए, टीटीएम का फुल फॉर्म है टावर कोर तेल नरेश, मोदी जी को खुश करना है, अमित शाह जी को खुश करना है, ऐसे न्यूज चैनल वगैरह हमने तो देखना बंद कर दिया है। और आपसे भी अपील करेंगे कि बॉयकट करो ऐसे न्यूज चैनलों का जो लोग देश को तोड़ने में मदद करने का काम करते हैं। हम लोग को लगता था डेमोक्रेसी में